आज फिल्टर के नाम पर या बोतल बंद पानी के नाम पर हमारे दिमाग में एक भ्रम हो गया है। हमको लगता है यदि बोतल में पानी भरा हुआ है तो शायद वो शुद्ध होगा, पर यदि हम जा करके नल का पानी पीने की बात करें तो आदमी को डर लगता है कि न जाने इसमें क्या अशुद्धि है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक यदि आप देखते हैं 10, 15, 20 साल की आप पीछे जा करके देखिए, कोई इस तरह के फिल्टर नहीं थे या ये जो बोतल बंद पानी नहीं था। तब क्या हम स्वस्थ नहीं थे? या आज जितना आरओ और फिल्टर घरों में लगाए गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी कभी सेहत के चक्कर में हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमने ख़त्म कर ली है। थोड़ा थोड़ा प्रकृति से संघर्ष करने की शक्ति शरीर में होने से अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रदूषित जल पीजिए, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आरओ वगैरह ये जो आजकल के जो फिल्टर हैं उनमें से जितना भी जो मिनरल्स होते हैं, जल के अंदर जो तत्व होते हैं, जो पोषकता होते हैं, उन सबको भी हटा दिया जाता है। जल को न्यूट्रल करने से जल नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से वो सिर्फ उसका जल का एक प्रकार बच जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे, जल प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध जल है या प्राकृतिक जल है, यदि आपने घर में ट्यूबवेल भी लगाया है तो फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। वो कई लोग कहते हैं कि पानी हार्ड वाटर है, उसको सॉफ्ट करना है, सॉफ्टनर लगाना है। हार्ड वाटर यदि पिएंगे हजम हो जाएगा तो आपका शरीर ठीक रहेगा। यदि सॉफ्टनर लगा लिया फिर भी वो जरूरी नहीं कि वो हजम हो जाए। तो इसलिए बचिए अनावश्यक रूप से जल को शोधन के नाम पर जो एक भ्रम है, अनावश्यक जल को शुद्ध करने के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे भी हमको बचना बहुत ज़रूरी है। तो संसार में सबको प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल मिलना संभव नहीं है, ये सही बात है, हम जानते हैं। फिर भी ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ मिल रहा है वहाँ आप भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में यदि शुद्ध जल न मिले तो आयुर्वेद की दृष्टि से कहा कि सबसे सरल उपाय है जल को उबाल करके फिर ठंडा करके आप पिए। पानी को उबाल लीजिए एक पतीले में और मटके में भर लीजिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद में उसको पीजिए। उससे सर्वोत्तम जल कोई भी जल आयुर्वेद के अंदर नहीं माना गया है, क्योंकि उबालने से जल की शुद्धि हो जाती है। इस तरह से ऐसा जो जल होता है वात, पित्त और कफ का जो है नहीं दोषों का समन करता है, दोषों को शांत करता है। यह पाचक भी हो जाता है, ये जठराग्नि को भी बढ़ा देता है, इससे भूख भी बढ़ती है। यानी उबला हुआ पानी पीने से भूख भी बढ़ती है, पेट भी ठीक रहता है, पेट के रोग भी ठीक रहता है। विशेष कर करके जैसे कोई किडनी का पेशेंट है, किसी तरह से आपके शरीर में इन्फेक्शन है, किसी तरह की आपको परेशानी है, तो उन सब रोगियों को जल, जिसको कम जल पीना है या जिसको भी जल पीना है, यदि आप उबाल करके रख करके जल पीने की आदत डालें तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसी जल को आयुर्वेद में सर्वोत्तम माना गया है। और जल का जो सेवन है वह भी उचित मात्रा में, उचित ढंग से, उचित समय, मात्रा भी उचित हो, पीने का ढंग भी उचित हो, समय भी उचित हो, ऐसा आयुर्वेद हमको समझाता है। आयुर्वेद में इस तरह से बातों का वर्णन किया गया है और कहा कि जल पीने से जो है ज़्यादा जल पीना भी हानिकारक माना गया है। कई लोग सोचते हैं कि जितना भी जल पियोगे तो एकदम बोले जी सेहत बनेगी, नहीं। कोई भी अमृत भी यदि ज़्यादा लेते हैं तो विष का कार्य कर जाता है। इसी तरह से यदि जल को भी ज़्यादा पिएंगे तो कई बार भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। यदि इसके अलावा यदि जल को बहुत कम मात्रा में पिएंगे या नहीं पिएंगे तो भी जा कर के वह नुकसान करेगा, भोजन का पाचन नहीं होने देगा, इससे अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जल की कमी के कारण से मलमूत्र वगैरह विसर्जन में ठीक से नहीं होगा, कब्ज हो जाएगा, गैस हो जाएगा, शरीर में खुश्की हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारी तरह के जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं, जो उस विषैले तत्वों को, हानिकारक तत्वों को, टॉक्सिक को निकालने के लिए भी जल ही काम करता है। यानी जल के द्वारा हम शरीर के जो विशुद्ध तत्व हैं, जो विषैले तत्व हैं, उनको बाहर निकालते हैं, विशुद्ध तत्वों को बढ़ाते हैं। इसीलिए इन सारी बातों का आयुर्वेद ने बहुत ध्यान रखा हुआ है और इसको ध्यान में रख करके और आयुर्वेद ने कहा कि एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं पीना, पानी पीना, बार बार पानी पीना है, क्योंकि इससे जठराग्नि की वृद्धि होती है, शरीर में जल की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। और जब अजीर्ण हो, एसिडिटी बनी हो, इंडाइजेशन हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब स्थिति में जल को कहा कि ये औषधि का काम करता है। इसीलिए भोजन का पाचन होने के पर ही जल पीने से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। एक जो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम खाने वाले द्रव्य हैं पीने वाले द्रव्य हैं या जो जीवन में हम जल आदि का सेवन करते हैं, यदि इनके थोड़े से औषधीय गुणों का हमें पता चल जाए तो ये जो हमारा भ्रम है कि डिब्बा बंद चीज़ों में ही सेहत है या अलग अलग तरह की हरी पीली नीली जो पत्तियां होती हैं, जो गोलियां होती हैं, उसके अंदर ही ताकत है, ये भ्रम निकल जाएगा। इसीलिए सेहत को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप शक्ति चाहते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, तो जो आप अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके प्रयोग की विधि को सीख लीजिए।